हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए कैसे की जाती है। JSA जो है वो पहले किसी भी वर्क को करने से पहले JSA मेंटेन किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं उस वर्क को करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए कैसे हम सेफ्टी मेंटेन करेंगे, कैसे उसके हज़ार्ड एनालाइज करेंगे और रिस्क कंट्रोल करेंगे। अब रिस्क हम तभी कंट्रोल करेंगे ना जब हमें हज़ार्ड्स पता होंगे। तो इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड किस किस तरीके के हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड जैसे कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो उस एरिया से इंट्रोड्यूस्ड हो वो ही जाए, या कोई और पर्सन जाके उसको सारी चीज़ें बता दे कि ये वायर यहाँ से है, ये इसकी मेन लाइन है, सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी अननोन पर्सन ऐसा ना हो कि थोड़ा सा कोई भी काम है तो कोई भी अननोन जाके कराए, जो इलेक्ट्रिकल के लिए वर्क के लिए जो पर्सन है वो ही ये काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके के हैज़ार्ड हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। सबसे पहले तो इक्विपमेंट जो भी रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लीजिए वही मशीन ही रखी हुई है, ठीक है, उसकी वर्किंग अभी ख़राब हो गई है तो अभी उसे ठीक करना है, तो उस पर पहले तो हम लोटो सिस्टम लगा देंगे, ठीक है, कि ये वाली जो मशीन है ये अभी लॉगआउट टैगआउट है, अभी इस पर वर्क नहीं होगा, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें पूरा फुली स्विच ऑफ़ करके, सारी चीज़ें स्विच ऑफ़ करके उसके बाद उस पर लॉगआउट टैगआउट लगा दिया। अब कोई भी पर्सन वर्क करने आएगा तो वो वहाँ वर्क करना शुरू कर देगा, जब वो ठीक हो जाएगा, पूरा चेकिंग हो जाएगा, तभी वो लोटो हटेगा वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा हुआ है उसमें से शॉक आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है उस पर कोई लिक्विड गिरा हो जिसकी वजह से वो शॉक दे रही हो। तो ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती है तो हम उस पर लोटो सिस्टम लगा देते हैं कि कोई और पर्सन उसे ना छू ले, ठीक है। तो इस तरीके से इसका JSA मेंटेन किया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो उसके लिए JSA बनाया जाता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अब लोटो तो हमने लगा दिया, अभी वो मशीन को हमें ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, लोटो सिस्टम नहीं हटाएंगे, वहाँ पे वही पर्सन जाएगा जो उसको नॉलेज होगी इसको कैसे ठीक कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, JSA उसके लिए भी बनाया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी भी इक्विपमेंट से, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, तो मान लीजिए हमें कोई भी तरह का झटका लग गया, शॉक लग गया, तो इसके लिए JSA मेंटेन किया जाता है कि कोई भी मशीन चल रही है तो हमें उससे दूर ही रहना है, ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक चार्ज रहता है हमें उसका बहुत ध्यान रखना है कि कहीं से भी ऐसा स्टैटिक चार्ज जनरेट ना हो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाए। तो आपकी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज, ठीक है, तो कोई भी चीज़ आ रही है, मान लीजिए पेट्रोल के टैंक आ रहा है, पेट्रोल इंडस्ट्री आपकी, तो किस तरीके से आएगी, उसका परमिट कैसा है, उसकी एंट्री कैसे होगी, उसके बाद इस कंटेनर से उस कंटेनर में पेट्रोल कैसे सप्लाई किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर JSA बना रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई बॉयलर रखा हुआ है या कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है, अब स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है तो क्या हो सकता है, हम जल सकते हैं ना, आग लग जाएगी, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो स्टैटिक चार्ज के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी JSA मेंटेन है, जो भी वर्क करने के लिए बना हुआ है JSA, उसको फॉलो करके हम JSA बनाएंगे, ठीक है। JSA जब जॉब सेफ्टी एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तभी उसके बाद उस काम को करने के लिए परमिट मिलता है। जो भी JSA बनेगा उसको फॉलो करके ही वो काम किया जाएगा। जॉब सेफ्टी एनालिसिस इसीलिए की जाती है कि कोई भी वर्क है उसको उसी तरीके से किया जाए, इन अ राइट वे ही किया जाए, ठीक है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज जो रहता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि ज़रा सा स्टैटिक चार्ज जनरेट होने की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, आग लग सकती है, तो स्टैटिक चार्ज पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो भी ऐसे हजार्डियस एरिया हैं जहाँ जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, तो वहाँ हमें कॉशंस लगा देने चाहिए कि यहाँ स्टैटिक चार्ज जनरेट होने से ये हो सकता है, कृपया यहाँ ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। जैसे कि हेयर कॉम करना, या मान लीजिए कोई व्हीकल आया उसके जो टायर्स रहते हैं उसके रगड़ने से ऐसे कोई चार्ज एक्सप्लोज ना हो, तो ऐसी चीज़ें
ध्यान में रखनी होंगी और उसके बाद आप वो वर्क कर सकते हैं। तो स्टैटिक चार्ज पे ध्यान देना होगा कि कैसे जनरेट हो रहा है वो, उस पर रोकथाम करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होने पाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और भी होते हैं, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, एयर कंडीशनर, फैंस हो गए, या और भी कोई चीज़ें हो गई जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उनका मेंटेनेंस टाइम टाइम पर करना चाहिए, मेंटेन्ड करना चाहिए। उनकी इम्प्रॉपर मेंटेन्ड अगर वो हैं तो उसमें भी शॉक या फायर लगने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपने ऑफिस इलेक्ट्रिक हज़ार्ड यही होते हैं, ये छोटी चीज़ें रहती हैं जिनमें आग लग जाती है और एक बड़े एक्सीडेंट में सामने आती है। तो जो भी हमारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, उसको हमें प्रॉपरली मेंटेन्ड करना ही होगा। ठीक है, तो जब भी जीएसए बनता है तो उसके अंदर ये भी आता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनकी टाइम टाइम पर मेंटेनेंस की जाए, और मेंटेनेंस करने के बाद उसकी चेकिंग की जाए कि इसका मेंटेनेंस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो इसका रिव्यूइंग भी आपको लेना होगा कि हाँ, हमारे इस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस हो गई है और अब ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट आपको मेंटेन करनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो एक बहुत ही ध्यान रखने वाला चीज़ है, क्योंकि इसके लिए जो भी आप जेएसए बनाते हैं वो बहुत केयरफुली बनता है। एक एक चीज़ उसमें नोटिस की जाती हैं, आपके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबको इंक्लूड करके, उनका मेंटेनेंस लेके, या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे अभी ठीक करना है, वहाँ तक सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसको ऐसे मेंटेन करके आपको रखना होगा कि इन केस आपको जब भी कोई भी ऐसा वर्क करना पड़े तो जेएसए पहले से ही तैयार हो। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ देख लीजिए उस मशीनरी पे कहीं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो तो नहीं हो रहा, जिसमें आप काम करना शुरू कर रहे हो तो आपको ही शॉक लग जाए। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रख के फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस यही कहता है कि कोई भी जॉब करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आप उसके हैज़ार्ड्स एनालाइज कर लेंगे तो आप रिस्क कंट्रोल कर पाएंगे, और रिस्क कंट्रोल हो जाएगी तो आपके एक्सीडेंट्स नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो आज ये था जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। सो थैंक यू।